नोएडा में रेप पार्टी आयोजित करने के आरोपों से घिरे एल्विस यादव से नोएडा पुलिस ने मंगलवार रात करीब 3 घंटे पूछताछ की। आपको बता दूं, रात करीब 11 बजे के आसपास एल्विस नोएडा के इसी सेक्टर 20 थाने पहुंचा, जहां पर एडिशनल डीसीपी रैंक के जो अधिकारी थे उन्होंने एल्विस से पूछताछ की। करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ चली। रात 2 बजे एल्विस सेक्टर 20 के इस थाने से बाहर निकला। नोएडा के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी एल्विस से पूछताछ पूरी नहीं हुई है, उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इतना ही नहीं, जिन 5 आरोपियों को नोएडा पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें राहुल नाम का वो शख्स भी है जो कि कोऑर्डिनेटर था, उनको नोएडा पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और इन सभी को आमने सामने बैठाकर एल्विस के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि नोएडा पुलिस जानना चाहती है कि एल्विस की इसके अंदर क्या भूमिका थी। क्या एल्विस ने ही राहुल का नंबर उस संस्था को दिया था जिसने ये इस पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन किया था? क्या एल्विस इससे पहले भी इस तरह की रेप पार्टी को ऑर्गेनाइज कर चुका है? एल्विस और राहुल आपस में एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्योंकि एल्विस कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से इनकार कर रहा है और इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन को सामने लाने के लिए और सच को बेपर्दा करने के लिए अब नोएडा पुलिस जो गिरफ्तार आरोपी है और एल्विस इन्हें भी आमने सामने बैठाकर जल्द ही पूछताछ करेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ वरुण जैन, ABP News, नोएडा।